पर दोस्तों राधा मोहन का आने वाला एपिसोड आप लोगों के लिए घना ही दिलचस्प देखने को मिलेगा, क्योंकि दोस्तों इस समय राधा हर एक सबूत निकाल लिए दामिनी और उसकी मां कावेरी के खिलाफ, ताकि जल्द से जल्द इन लोगों को एक्सपोज किया जा सके। क्योंकि आप लोग जानते ही हैं कि कावेरी के खिलाफ ऐसे ऐसे सबूत और दामिनी के खिलाफ सबूत जुटा रही है राधा, और साथ में राधा की जो मदद हो रही है वो कोई और नहीं बल्कि तुलसी कर रही है। क्योंकि तुलसी ने पहले ही बोल दिया था कि राधा तुम चिंता मत करो, तुम्हें मैं ऐसे ऐसे सबूत दूंगी जिसके बाद में दामिनी का जेल जाना निश्चित है। दोस्तों आप लोग जानते ही हैं कि दामिनी का जेल जाना निश्चित इसलिए है क्योंकि दामिनी के खिलाफ इस समय सबूत मिलने जा रहे हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि किस तरीका से लगातार दामिनी का जो कट्ठा चिट्ठा है वो लोगों के सामने आने जा रहा है दोस्तों। साथ ही आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि जल्दी ही आप लोगों के बीच में देखने को मिलेगा मोहन पूछता हुआ नजर आने वाला है राधा से कि राधा अगर कोई सबूत है तो तुम मुझे बता सकती हो। क्योंकि दोस्तों राधा ने बोल दिया है कि मोहन जी आपको मुझ पर भरोसा है ना, मैं चिंता मत करूँ, मैं आपको ऐसे ऐसे सबूत पेश कराऊँगी जो कि आपने देखे भी नहीं होंगे और ना ही सुने होंगे। क्योंकि आप लोग जानते ही हैं कि अगर पहले से ही सबूत दे दिए जाएंगे तो वो सबूत मिटने के बहुत बड़े चांस है, क्योंकि दामिनी और दामिनी की मां कावेरी हमेशा से ही दूसरों को नीचा दिखाने में और सबूत मिटाने में बहुत आगे रही है। और दामिनी का फिलहाल ये सोचना है कि जैसे हमने तुलसी को मौत के घाट उतारा है वैसे ही हम इस समय राधा को भी उतार देंगे। आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि आने वाली कहानी में आप लोगों के बीच में देखने को मिलेगा कि किस तरीका से लगातार कहानी में एक और नया ट्विस्ट भी आता हुआ नजर आने वाला है, जब आप लोग देख पाएंगे कि किस तरीका से। बात की जाए कावेरी की तो कावेरी इस समय थोड़ा टेंशन में नज़र ज़रूर आ रही है। साथ ही दोस्तों आप लोगों के बीच में मैं रोहित नागर हाथ जोड़कर अनुरोध करूँगा गाइस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक।